और अगर मैं इस खूबसूरत घर की प्राइस की बात करता चलूं तो ओनर की तरफ से आस्किंग प्राइस है 10,00,000। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। आज आप लोगों को जिस घर का विजिट करवा रहे हैं उसका साइज है 35x65 और इतना ही खूबसूरत किस्म का डिजाइन है इसका। फ्रंट एलिवेशन बहुत खूबसूरत है और इंटीरियर इस घर का इतना ही खूबसूरत किस्म का डिजाइन किया गया है। तो आप लोगों को पूरे घर का विजिट करवाते हैं। डबल स्टोरी डबल यूनिट ये हाउस है और मज़ेदार बात यह है कि ये प्राइम लोकेशन है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी B17 की Block C1। और आपको करवाते हैं पूरे घर का विजिट और प्राइस जो है वो मैं बड़ी रीजनेबल प्राइस है ब्रांड न्यू घर की वो आपको बताऊँगा मैं वीडियो के एंड में। तो पहले मैं आप लोगों को आउटलुक दे दूँ उस घर की, फिर आप लोगों को पूरे घर का करवाते हैं विजिट। और विजिट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर लेना आपने लाइक। तो पहले मैं आप लोगों को फ्रंट एलिवेशन से आउटलुक देता चलूँ इसकी। यहाँ पे हमें मिलता है इसका स्लाइडिंग गेट और अगर ड्राइवे की बात करते चले तो इस डिज़ाइन में कुछ हमें टाइल्स मिलती है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हमारे पास गार्डिंग एरिया आ जाता है इसका। और अगर मैं इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करता चलूँ तो डार्क थीम के साथ कुछ रॉक वॉल का काम किया गया इसके फ्रंट एलिवेशन पर जो इनके खूबसूरत किस्म का लग रहा है। और डल किस्म का हमें मिलता है यहाँ पे स्लाइडिंग गेट इसका। तो जैसे हम लोग कार पार्क की तरफ आते हैं दो कार जो है वो इजीली पार्क कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमें इसके जो फीचर्ड वॉल है वहाँ पे कुछ इस तरह का फबीजा लाइन अभी को मातु का जीबान स्टोन वर्क के साथ देखने को मिलता है। और प्लस इस तरह की हमें यहाँ पे स्टॉप लाइट्स हैं वो देखने को मिलती है। और अगर आप लोगों को मैं इसकी फॉल सीलिंग दिखाता चलूँ कार पोर्ट की तो इतनी खूबसूरत किस्म की ब्लू लाइट के साथ ब्लू कलर की रोप लाइट के साथ हमें कुछ इस डिज़ाइन में यहाँ पे फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। और मज़ेदार बात यह व्यूअर्स कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाले यूनिट पर जाने के लिए सेपरेट एंट्रेंस जो है वो दी गई है। और प्लस अगर मैं आप लोगों को इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाता चलूँ इसका फसाड दिखाऊँ तो हमें सुपर टॉल किस्म का इसका फसाड देखने को मिलता है इस घर का जो इसकी खूबसूरती में कर रहा है जी इजाफा। और बोर्ड जो है वो इस घर में हुई है कुछ स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे भी आप एक कार जो है वो पार्क कर सकते हैं। और एंट्रेंस जो है वो हमें दो किस्म की दी गई है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस की बात की जाए तो डबल डोर के साथ हमें यहाँ पे एक एंट्रेंस ये देखने को मिलती है। और अगर हमारे गेस्ट यहाँ से सेपरेट इंटर होते हैं इस घर में तो इसका जो ड्राइंग रूम है उसका एंट्रेंस यहाँ से है, तो अभी हम मेन एंट्रेंस से इंटर होते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस घर में इंटर होते हैं तो यहाँ पे कुछ लॉबी हमारा इस तरह का वेलकम करती है इस तरह की फीचर्ड वॉल के साथ। और इस तरह का यहाँ पे बड़ा खूबसूरत किस्म का शैंडलर जो है वो इंस्टॉल किया गया है इसकी फॉल सीलिंग पे जो कि इतने खूबसूरत किस्म का लग रहा है। तो इस तरह की टाइल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसी ग्लोसी किस्म की टाइल्स का यूज़ किया गया है। और अगर मैं फीचर्ड वॉल की बात करता चलूँ इसकी लॉबी की तो कुछ इस डिज़ाइन में फीचर्ड वॉल जो है उसमें वॉल पेपर का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे हमारे पास इसका पाउडर रूम दिया गया है स्टेयर्स के साथ, यहाँ पे कुछ स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो सकती है। प्लस इस तरह का यहाँ पे हमें सेंसिंग मिरर के साथ कुछ खूबसूरत किस्म की स्मार्ट सी में वैरायटी और प्लस यहाँ पे हमें सीट देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी इसका शॉवर सेट। तो पहले हम लोग पहले नीचे वाले यूनिट का फुल रिव्यू करते हैं। और अगर मैं आप लोगों को डोर्स का डिज़ाइन दिखाता चलूँ तो इतने खूबसूरत किस्म के इसके डोर्स का डिज़ाइन किया गया है। और जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं यहाँ पे तो अगर आप लोग फ्यूचर में ऊपर वाला यूनिट अगर रेंट आउट भी करते हैं तो यहाँ से आपकी इंटरेस्ट एक बंद हो जाएगी तो और नीचे वाला यूनिट टोटली सेपरेट हो जाएगा। और अगर मैं नीचे वाले आपको यूनिट के अगर डोर दिखाता चलूँ तो कुछ इस तरह के ग्लास वर्क के साथ हमें यहाँ पे डोर्स देखने को मिलते हैं सॉलिड किस्म के दरवाजे। और अगर मैं आपको टाइल वर्क दिखाता चलूँ यहाँ पे इसके लाउंज का तो यहाँ पे कुछ ग्लोसी किस्म की टाइल्स हैं उनके यूज़ किया गया। और अगर मैं मीडिया वॉल आपको दिखाता चलूँ फीचर्ड वॉल के साथ तो कुछ वुडन डिज़ाइन के साथ और इस तरह की हमें यहाँ पे शीट्स वर्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास फैंसी लाइट्स हैं वो दी गई हैं और इस तरह की हमें मीडिया वॉल का सेटअप देखने को मिलता है इतने खूबसूरत किस्म का। और यहाँ पर हमारे पास एक खूबसूरत किस्म का शैंडलर मिलता है और प्लस इस तरह की कुछ वॉल सीलिंग के डिज़ाइन के साथ हमें ब्लू कलर की रोप लाइट देखने को मिलती है और कुछ इस तरह के फैंसी फैंस देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग बात करते चले इसके डाइनिंग एरिया के इसके ड्राइंग रूम की तो कुछ इस तरह की हमें यहाँ पे स्पेस मिलती है ह्यूज साइज़ की जो कि इतनी खूबसूरत किस्म की है। और अगर मैं आप लोगों को इसकी फ्यूचर वॉल दिखाता चलूँ तो इतनी खूबसूरत किस्म की फ्यूचर वॉल है कुछ इस तरह की। और यहाँ पर मतलब फैंसी लाइट्स हैं वो दी गई हैं और प्लस इस तरह की यहाँ पर हमें एक शैंडलर देखने को मिलता है इतनी खूबसूरत किस्म का। और यहाँ से हमारे पास एक एंट्रेंस मिलती है, यहाँ से हम चले जाएँगे कारपोर्ट की तरफ इसकी। तो अभी मैं आप लोगों को इसके रूम्स हैं वो दिखाता चलूँ
तो बिल्कुल अगर हम लोग बात करते चले इसके लाउंज के ऑपोजिट, तो यहाँ पे हमें इसका क्लोज किचन देखने को मिलता है और वुड का काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है इस घर में, जो इसकी खूबसूरती में कर रहा है इजाफा। और यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंट स्पेस मिल जाती है इसके किचन में। और अगर मैं इसके कैबिनेट्स की बात करता चलूँ, उसके टेबल टॉप की बात करता चलूँ, तो इस डिज़ाइन में मार्बल का यूज़ किया गया है और प्लस इस तरह के हमें ग्रे कलर के थीम के साथ कुछ इस तरह के कैबिनेट्स जॉज हमें यहाँ पे डोले के साथ मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्पेस दी गई है इसके स्टोव की, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लॉक जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और काफ़ी ज़्यादा किस्म की हमें यहाँ पे स्पेस देखने को मिलती है, तो कुछ टाइल वर्क जो है वो इस तरह का यूज़ किया गया है जिसकी मेंटेनेंस इजीली हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास डबल सिंक जो है वो दिया गया है। और अब यहाँ से आते हैं बाहर की तरफ, तो जैसे हम लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक स्काई लाइट की स्पेस दी गई है। यहाँ पे अगर हम लोग वॉशिंग एरिया बनाना चाहें तो वॉशिंग एरिया जो है उसके लिए भी यूटिलाइजेशन हो सकती है इसकी। और अगर मैं रूम्स की बात करता चलूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो नीचे वाले यूनिट में बेडरूम दिए गए हैं मास्टर बेड इसके। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक वॉल दिखाना चाह रहा हूँ इसकी, फ्यूचर्ड वॉल, और कुछ इस तरह की स्ट्रिप लाइट जो है उसका यूज़ किया गया इसकी फ्यूचर्ड वॉल में। सबसे पहले हम लोग आते हैं जी अपने राइट साइड वाले बेडरूम की तरफ, कुछ इस तरह का हमें रूम देखने को मिलता है यहाँ पे। इतनी खूबसूरत किस्म की वॉल सीलिंग प्लस फीचर्ड वॉल की बात करते चले तो इस वॉल पेपर के डिज़ाइन के साथ हमें यहाँ पे फीचर्ड वॉल देखने को मिलती है। और अगर मैं आप लोगों को इसके वाशरूम दिखाता चलूँ तो कुछ इस डिज़ाइन में हमें वाशरूम देखने को मिलता है, ह्यूज स्पेस है इसके वाशरूम की। यहाँ पे इंडियन सीट जो है उसका यूज़ किया गया, और यहाँ पे हमारा शॉवर एरिया, और प्लस इस तरह की हमें वैनिटी मिलती है। और यहाँ पे हमारे पास बॉम लाइट के साथ एक सेंसिंग मिरर देखने को मिलता है हमें। और अगर हम लोग बात करते चले इस रूम की कैबिनेट्स की, इस तरह के कबर्ड्स जो है उनका यूज़ किया गया है, और कुछ रैक्स ऊपर दिए गए हैं, इसी ग्लोसी किस्म की शीट का यूज़ किया गया है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमें एक और इसका सेकंड बेडरूम देखने को मिलता है कुछ इस डिज़ाइन में। और यहाँ पे हमारे पास वॉल लैम्प जो है वो दिए गए हैं, और जो अगर आप लोग फॉल सीलिंग देखें तो खूबसूरत किस्म की फॉल सीलिंग है, उसमें यहाँ पे ब्लू रोप लाइट का यूज़ किया गया है। प्लस यहाँ पे इस तरह के कुछ कबर्ड्स जो हैं वो बना के लगाए गए हैं। और यहाँ पे हमारे पास वाशरूम डार्क थीम के साथ इस डिज़ाइन में मिलता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सीट इसकी, और यहाँ पे हमारे पास शॉवर सेट आ जाता है। और अगर मैं इसकी फ्यूचर वॉल की बात करता चलूँ तो डार्क कलर की थीम के साथ हमें यहाँ पे टाइल से इस तरह के डिज़ाइन के साथ हमें यहाँ पे फ्यूचर वॉल देखने को मिलती है। और वैनिटी इतनी खूबसूरत किस्म की इस तरह की लगाई गई है, प्लस यहाँ पे सेंसिंग मिरर हमें देखने को मिलता है बॉम लाइट के साथ। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप बैक ऑफ द हाउस आप लोग जाते हैं तो उसकी स्पेस और उसकी एक्सेस हमें इस वाले बेडरूम से मिलती है। और इस तरह का उस सनसेट का व्यू हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और एक डिसेंट स्पेस है इसकी, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता चलूँ 35x65 इसकी डायमेंशन बनती है। तो ये मैंने आप लोगों को दिया जी नीचे वाले यूनिट का रिव्यू। अब हम विजिट करते हैं ऊपर वाला यूनिट इसका, तो अब हम चलते हैं ऊपर वाले यूनिट की तरफ। तो ऊपर वाले यूनिट में ग्रिल का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे एक टेम्पर्ड ग्लास जो इसका यूज़ किया गया जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। और अगर मैं स्टेयर्स की बात करता चलूँ तो यहाँ पे कुछ इस डिज़ाइन में मार्बल का यूज़ किया गया है ब्राउन कलर के थीम के साथ, जो कि इतने खूबसूरत लग रहा है। तो हम चलते हैं ऊपर वाले यूनिट की तरफ, और स्टेयर्स में भी एक फीचर वॉल जो है वो बनाई गई है। और यहाँ पे कुछ फैंसी किस्म की लाइट जो है वो देखने को हमें मिलती है यहाँ पे सुपर ब्राइट वाइट के साथ, जो कि इतने खूबसूरत किस्म की लग रही है। तो ये हम आ चुके हैं ऊपर वाले यूनिट में, और ऊपर वाले यूनिट में भी हमें लॉबी को जिस तरह का वेलकम करती है, यहाँ पे एक चैमलेट जो है स्मार्ट सा वो इंस्टॉल किया गया है, और ब्लू कलर की रोप लाइट का यूज़ किया गया है जो कि खूबसूरत किस्म की लग रही है। और यहाँ पे कुछ टाइल वर्क इस तरह का यूज़ किया गया है कुछ डिज़ाइन के साथ। तो जैसे हम लोग ऊपर वाले यूनिट की तरफ आते हैं तो ये स्टेज हमें मोमटी की तरफ लेके जा रही है इसके रूफ टॉप पे, इसका विजिट हम करते हैं बाद में। पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्राइवेसी टेरेस की, जो कि इस तरह का हमें यहाँ पे प्राइवेसी टेरेस देखने को मिलता है एक डिसेंट स्पेस के साथ। और यहाँ पे कुछ स्टील वर्क के साथ काम किया गया है इसके फ्रंट एलिवेशन पे, जो कि इतने खूबसूरत किस्म का है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता चलूँ इसके फ्रंट एलिवेशन पे कुछ रॉक वॉल का यूज़ किया गया है, जो कि इतनी खूबसूरत किस्म की लग रही है। और यहाँ पे कुछ वेपर शीट के साथ हमें रूफ मिल जाता है इसका। और अगर आप लोग यहाँ पे शाम के टाइम टी कॉफ़ी इंजॉय करना चाहें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको मिलता है व्यू। और यहाँ पे हमारे पास इसका सिटिंग एरिया हमें देखने को मिलता है नीचे वाले यूनिट की तरह, सेम डिज़ाइन किया गया है ऊपर वाला यूनिट भी। और सिर्फ जो हमें डिफरेंस मिलता है वो मिलता है इसके शैंडलर का, नीचे हमें मिलता था इसका एक स्क्वायर में शैंडलर, और यहाँ पे हमें एक राउंड में देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता चलूँ इसकी लाउंज की, तो मीडिया वॉल जो है वो सी कमाल की यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, सी खूबसूरत किस्म की। और यहाँ पे कुछ कॉर्नर जो हैं वो दिए गए हैं मीडिया वॉल के साथ, और कुछ इस तरह के यहाँ पे हमें शैंडलर प्लस इस तरह के फैंसी फैंस देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करता चलूँ ओवरऑल टाइल्स की,
तो सिर्फ ग्लोसी किस्म की टाइल्स हैं वो देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे पास स्काई लाइट आ जाती है इसकी, और किचन भी नीचे वाले किचन की तरह हमें सेम डिजाइन में देखने को मिलता है यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करते चले रूम्स की, तो यहाँ पे भी फ्यूचर वॉल के साथ हमें यहाँ पे दो रूम्स देखने को मिलते हैं। भाई अब इनका भी विजिट कर लेते हैं जल्दी से। कुछ इस डिजाइन में हमें यहाँ पे एक रूम मिलता है, और यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम इस तरह की कुछ वैनिटी के साथ। और अब चलते हैं हम लोग सेकंड बेडरूम की तरफ। एक डिसेंट स्पेस दी गई है इसके रूम्स की, आप अगर विजिट करें यहाँ पे। और डायमेंशन की बात करता चलूँ तो 35x65 डायमेंशन है इस घर की। और यहाँ पे हमारे पास गैलरी में जाने की एक्सेस दी गई है इस रूम से, और प्लस अच्छा है यहाँ पे अटैच वॉशरूम हमें देखने को मिलता है कुछ इस डिज़ाइन के साथ। तो आइए अब चलते हैं जी इसके रूफ टॉप की तरफ, और वीडियो करते हैं जी वहाँ पे जाके एंड। ये मैं आ चुका हूँ रूफ टॉप की तरफ, और यहाँ पे भी हमें एक पेंट हाउस कह लें आप इसको, या फिर एक रूम कह लें, सेवन रूम कह लें, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक डिसेंट स्पेस है इसके सेवन रूम की, और यहाँ पे वो स्काई लाइट जो है वो यहाँ से स्काई लाइट देती है इसकी सनलाइट, और यहाँ पे वाटर टैंक, और एक डिसेंट स्पेस मिल जाती है हमें इसके रूफ टॉप पे। तो व्यूवर उम्मीद है आपको आज का घर और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर मैं इस खूबसूरत घर की प्राइस की बात करता चलूँ तो ऑनर की तरफ से आस्किंग प्राइस है 4,30,00,000 रुपीज, जो कि इतना ही रीजनेबल है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया, और वीडियो पर भी आप मेरा नंबर देख रहे होंगे तो कॉल करें। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है एक नए घर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।